जय हिंद साथियों, आज हम बहुत ही टेस्टी पौष्टिक जो है परोंठे बना रहे हैं। ये इसकुस है जो कि फैटी लीवर वालों के लिए, आयरन कैल्शियम की जिनमें कमी होती है उनके लिए, खासकर महिलाओं के लिए जिसे मैं कहूंगी, और वेट लॉस की जो जर्नी तय कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है। तो हम बना रहे हैं इसकुस के परोंठे। इसको मैंने छील लिया है और उसके बाद कद्दूकस करके रख लिया है। इसका पानी मैंने निचोड़ दिया और बाकी ये सूखा सूखा इस तरह से रख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आटा गूंदा है। आटे में मैंने जो कसूरी मेथी होती है उसको डाला है और उसी को आटे के साथ मैंने गूंद लिया है, और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, वो इसके साथ गूंद लिया। ठीक है, आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदा है, बहुत ज़्यादा टाइट गूंदने से भी हार्ड परोंठे बनते हैं। ठीक है, तो इसको उसके हम परोंठे बना रहे हैं। इसके लिए एक मैंने प्याज काट लिया है बारीक बारीक, 2 से 3 हरी मिर्च काट लिए हैं। आप मिर्च जो है अपने हिसाब से काट सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। लहसुन बारीक बारीक काटे हैं, अदरक बहुत बारीक बारीक काटा है, और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ ही ये मैंने काली मिर्च ली है, पाउडर है। अगर क्रस्ट काली मिर्च आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और ये अमचूर है 1/2 चम्मच। इन सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम 1 चुटकी इसमें हल्दी भी डालेंगे, और साथ ही हमने इसमें डाल लिया है नमक। स्वाद के हिसाब से नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि आटे में भी नमक है। ठीक है, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को एक साथ, और उसके बाद परोंठे बनाना शुरू करेंगे। तो सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत मसलना नहीं है वरना प्याज जो है अपना पानी छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हल्के हाथ से सारे मसाले और चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए परोंठा बनाना शुरू करते हैं। आटा ले लेंगे, थोड़ा बड़ा सा गोला हम लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे फैलाएंगे, बीच में थोड़ा सा मोटा रहेगा। देखिए, अब हमें इसमें हल्का सा आटा लगाना है। इसको इस तरह से आटा लगाने से जो परोंठे हैं ना, इसमें जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर आटे के साथ कम हो जाएगा और परोंठे हमारे फटेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से। और अब फिर से हमें ऊपर से आटा डालना है, बहुत कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा जो है इसको हटा लेते हैं और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। अभी थोड़ा जोर जोर से हथेली से हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, आटा लगाएंगे और इसे उंगलियों से फैलाएंगे, पलट लेंगे। ठीक है, अब इसमें आटा लगाएंगे, दूसरी साइड भी लगाएंगे, और अब बेलन से हम इसको फैला देंगे। देखिए, और अब हम इसको तवे में डालेंगे। अब फ्लेम को हल्का सा बढ़ा लेंगे और इसी तरह से बाकी के जो परोंठे हैं वो भी हम तैयार कर लेंगे। इसको इस साइड ऐसे मिला लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे परोंठा, और दोबारा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो चलिए परोंठे को हम पलट लेंगे, और इसको मैं जो है सूखा परोंठा ही बनाऊंगी क्योंकि मैं बाद में घी इसमें यूज़ करूंगी। आप चाहें तो इस वक्त लगा सकते हैं घी। और ये देखिए, परोंठा बनके एकदम तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेंगे और दूसरा परोंठा हम सेकने के लिए रख लेंगे, और इस वक्त मैं इसमें घी लगाऊंगी। ये देखिए, घी को जो पकाने से क्या होता है कि फैट बढ़ता है और हेल्दी नहीं होता। इस तरह से हम घी लगाएंगे अलग से इसे निकाल के, और तब इसको हम खाएंगे। अगर हम इसको इस तरह से खाएं और इस तरह से इसमें घी लगाएं, और ये देखिए,
बहुत टेस्टी होता है। सही पलट लेते हैं। तो ये वाला परोठा मैं घी लगा के आपको दिखा देती हूँ। आराम से करिएगा आप, चम्मच से लगाइए वरना हाथ जो है जलने का डर रहता है। और इसको पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा परोठा बना है। इसको हम सेक लेंगे। तो देखिए परोठा अच्छे से सिक गए दोनों साइड से। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने आपको जो है दोनों तरह के परोठे बता दिए हैं। बहुत अच्छे ये बने हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए साथियों कितने स्वादिष्ट ये परोठे बने हैं। और ये घी वाला परोठा है और ये बिना घी वाला परोठा है। इसको जो है इस परोठे को घी लगा के अगर हम खाएंगे अचार के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही बढ़िया ये होता है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और ज़रूर आप बताइए आपको कैसा लगा। नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक बाय, जय हिंद।